एक राजा था। वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था। अपना दुख दर्द किसे सुनाए, यही बात उसे अखरती रहती थी। वह रात रात भर अपने महल की वाटिका में अकेला टहलता रहता था। आखिर एक दिन वह निकल पड़ा मित्र की खोज में। भटकते भटकते वह घने जंगल में पहुंच गया और उसे पता भी नहीं चला कि वह अपने महल से कितनी दूर निकल आया है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, राजन राजन रुको। उसने पीछे पलट कर देखा पर उसे कोई नजर नहीं आया। अरे इतनी सुंदर बोलने वाली चिड़िया, चिड़िया क्या तुम मेरी मित्र बनोगी, मेरे महल चलोगी? मेरे महल में तुम्हें सोने चांदी के बर्तनों में खाने को मिलेगा, वहां तुम्हें काजू किशमिश बादाम मिलेंगे। राजा के बहुत कहने के बाद चिड़िया उसके साथ उसके महल में आ गई। वहाँ वह कुछ दिन तो बहुत प्रसन्न रही। उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाने में बहुत मज़ा आया। पर फिर उसे याद आने लगी लंबी लंबी उड़ाने और अपनी आज़ादी। फिर एक दिन उस राज्य में एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा पधारे। राजा ने भी उनके दर्शन करने का निश्चय किया। महात्मा के दर्शन करने जाने से पहले राजा अपनी मित्र चिड़िया के पास गए और बोले, हे मित्र, हमारे राज्य में एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा जी आए हैं, मैं उनके दर्शन के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो मुझे बताओ। हे राजन, मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है कि मैं राजमहल में रहती हूँ, सोने चांदी के बर्तनों में खाती हूँ, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे इस परेशानी से कैसे मुक्ति मिल सकती है? राजा साधु के पास पहुँचे और अपने प्रश्न पूछे। अपने प्रश्नों के उचित उत्तर पाकर वे निश्चित हो गए और उसके बाद उन्होंने चिड़िया का प्रश्न भी साधु से पूछा। साधु ने चिड़िया के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और वे चुपचाप जाकर लेट गए। राजा ने बहुत बार पूछने की कोशिश करी पर साधु नहीं उठे। राजा ने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर वे अपने राजमहल वापस लौट आए। राजमहल वापस आने पर चिड़िया ने राजा से पूछा कि राजन, महात्मा जी ने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया है? हे मित्र, मैंने साधु महात्मा जी से तुम्हारा प्रश्न पूछा था, लेकिन उन्होंने उसका मुझे कोई उत्तर ही नहीं दिया। वह तो प्रश्न सुनने के बाद स्वयं जाकर लेट गए। मेरे काफी पूछने पर भी उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। चिड़िया बड़ी प्रसन्न हुई और उसने अपने मन ही मन सोचा, महात्मा जी ने मुंह से कुछ ना कहकर अपनी क्रिया से बता दिया है कि मेरी मुक्ति किस प्रकार हो सकती है। अगले दिन मंत्री आया। उसने पिंजरे में झांका तो सन से रह गया। अरे यह चिड़िया तो मर गई है। उसने राजा को खबर दी। राजा ने आकर भी यही कहा कि यह चिड़िया तो मर गई है। उसने मंत्री को आज्ञा दी, मंत्री पिंजरा खोल दो और मरी हुई चिड़िया को बाहर निकाल दो। उसका जीवन समाप्त हो चुका है, अब उसे बंधन में रखने से कोई लाभ नहीं है। राजा की आज्ञा के अनुसार मंत्री पिंजरे को लेकर महल से बाहर आ गया और जैसे ही उसने पिंजरा खोला, चिड़िया पिंजरे में से निकलकर खुले आकाश में उड़ गई और उसने पलटकर फिर कभी पिंजरे की तरफ नहीं देखा। मंत्री खाली पिंजरे को लेकर राजा के पास आया और उसे सारी बात बताई। अब राजा को समझ में आ गया कि क्यों साधु इस प्रकार लेट गए थे और उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया था। उसे समझ में आ गया कि पक्षी की असली जिंदगी तो आसमान में उड़ने में है, ना कि काजू किशमिश बादाम खाने में है। उसे समझ में आ गया कि आज़ादी का जीवन कितना सुखमय है और गुलाम की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। उसने गुलामी व आज़ादी की जिंदगी के अंतर को समझ लिया था। पिंजरे में ना रहना चाहूं, अपनों से मैं मिलना चाहूं, डाल डाल पर फुदक फुदक कर आजादी के गीत गाऊं, तिनका तिनका चुनकर पेड़ों पर अपना घर बनाना चाहूं, मुझे ना डालो पिंजरे में, मैं इस बंधन से मुक्ति चाहूं।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जानवरों को और पक्षियों को भी आज़ादी का पूरा हक है। हमें उन्हें किसी बंधन में नहीं बांधना चाहिए और उन्हें कैद कर कर नहीं रखना चाहिए। तो आइए आज हम सब मिलकर यह प्रण करते हैं कि आज के बाद हम किसी भी पक्षी को या किसी भी जानवर को कैद नहीं करेंगे।